अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेज सीट। ठीक है, मेज सीट क्या होता है? दी आउटर मोस्ट कवरिंग विच इनक्लोसेज दी सीडी इज मेड अप ऑफ फ्रूट वाल एंड टेस्टा। अब मेज सीट क्या होता है? उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो क्लोज्ड होती है सीड में। ठीक है, सीड में क्लोज होती है। जैसे हम क्या कह रहे थे, और उसे हम लेयर्स कह रहे थे। ठीक है, जो जो है उसे हम टेस्टा भी कह रहे थे, और दूसरा आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या कह रहे थे, कोट्स भी कह रहे थे। ठीक है, जो मुश्तमिल होती है, और वो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है हर सीड में वो उसकी प्रोटेक्ट करती है। इट इज वन कोटेड ऑन। अब इसमें मेज सीड में क्या होता है, ये एक कोटेड ऑन होता है। इट इज़ अ मोनोकोट सीड है। पहले तो ये जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड चैप्टर है 5th क्लास की। ठीक है, हमने कंटिन्यू किया था अपने पहले लेक्चर्स में जो है वो सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। अब इसका जो आगे टॉपिक है वो मेज सीड है। ठीक है, सो अब मेज सीड में क्या होता है, वो कोटेडोन्स जो है एक मौजूद होता है, जिसे हम मोनोकोट सीड कहते हैं। दी कोटेडोन इज सिंथिन। हम पहले भी पढ़कर आ गए कि कुछ सीड जो होते हैं, सीड के टाइप वो थिन होते हैं और थिक होते हैं। ठीक है, थिन मीन्स नरम, थिक मीन्स हार्ड। और फ्रूट्स जो ऑल फ्रूट सीड होते हैं वो जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड किस्म के होते हैं। अब मेज सीड भी क्या होता है, वो जो है कोटेडोन उसमें वन होता है, और इसलिए उसे हम मोनोकोट सीड कहते हैं। और कोटेडोन्स जो होता है इसका थिन होता है। थिन मीन्स एक नरम टाइप का होता है, स्मॉल एंड लेक्स फूड। और इसमें ही वो अपना जो है फूड स्टोर करता है, और ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ का होता है। इंडोस्पर्म्स इज मोस्टली प्रेजेंट एंड स्टोर फूड। अब इंडोस्पर्म्स क्या होते हैं, वो इस पे प्रेजेंट होते हैं और फूड स्टोर करते हैं इस पे। अब हमने जो पहले पढ़ा था फ्रेंच बीन सीड, ठीक है, तो उसमें कोटेडोन्स मौजूद नहीं था। ठीक है, हमने जो पहले पढ़ा था इंडो जी, तो ये था फ्रेंच बीन सीड में था, तो उसमें जो कोटेलडोन्स थे वो 2 मौजूद थे। ठीक है, डायकोट सीड था। और इंडोस्पर्म्स जो है वो इसमें मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ मेन सीड में क्या कह रहा है कि इंडोस्पर्म्स इसमें प्रेजेंट होता है। अब क्या था कि फ्रेंच बीन सीड में जो है वो कोटेलडोन्स 2 मौजूद होते हैं, और मेल सीड में क्या आता है, कोटेलडोन्स जो है 1 मौजूद होते हैं। ठीक है, आप लोगों को यह देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट दी है उसने कि इसमें जो है कोटेलडोन्स थिन मौजूद होता है, मीन्स कोटेलडोन्स 1 मौजूद होता है, और वो कोटेलडोन्स जो होता है वो थिन एक नरम साइज़ का होता है। और फ्रेंच बीन सीड में आप लोग देख सकते हैं कि कोटेलडोन्स जो होते हैं वो टू टाइप कोटेलडोन्स जो होते हैं वो टू टाइप के मौजूद होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं मौजूद, जिनको जो है डायकोट कहा जाता है। ठीक है, डायकोट सीड कहा जाता है। तो ये फ़र्क था इनमें। अब इंडोस्पर्म्स इज मोस्टली प्रेजेंट। अब मेन सीड में क्या होता है, इंडोस्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें वो फूड स्टोर करता है, लेकिन फ्रेश बीन सीड में क्या थे, इंडोस्पर्म्स मौजूद नहीं थे, प्रेजेंट नहीं थे। सो अब आगे कह रहा है कि मेज इज सम वाट ओवल एंड फ्लैट इन स्टेज। अब मेन सीड में क्या होता है, एक किस्म का ओवल होता है, जिस पे फ्लैट लाइक होता है शेप है। दी फ्लैट सरफेस इज दी नैरो एंड हिज अ ट्राई एंगुलर रीजन विच इज़ दी एम्ब्रियो। अब ये फ्लैट जो होता है, ओवल ओवल टाइप होता है इसका सीड, जब इसकी जर्मिनेशन हो जाती है तो ओवल टाइप का हो जाता है, एक फ्लैट किस्म की शक्ल हो जाती है उसकी। और वो फ्लैट जो होता है वो नैरो नैरो मीन्स माना बिल्कुल जो है वो क्लोज टाइप का हो जाता है, उसे हम नेरो कहते हैं। और इसकी एंगल शक्ल जो हो जाती है वो ट्राइंगुलर हो जाती है, जिसमें एम्ब्रियो की डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर फ़र्क दिया है इसने, डिफरेंट बताया है कि अब डिफरेंट इसमें क्या दिया है इसने, एक तो फ्रेंच भी सीड का बताया है, और दूसरा इसने किसका बताया है, मेन सीड का। अब यहाँ पर डिफरेंट देख सकते हैं इनमें, डिफरेंट क्या था कि फ्रेंच सीड जो था उसमें
उसका शेप जो है वो बीन लाइक ग्रिल लाइक होता है, और दूसरा उसमें टू कोटल लोन्स मौजूद होते हैं जिनको डाइकोर सीड कहा जाता है, और दूसरा एंडोस्टम्स में मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। और कोटल लोन्स जो होते हैं वो फ्लैश लाइक होती हैं, उसमें का फूड स्टोर होता है, ठीक है। अब मेन सीन में क्या था कि इसका फूड स्टोर जो होता है वो इंडोस्पर्म्स होते हैं, लेकिन फ्रेंच बीन सीड में जो है उसका फूड स्टोर कोटेलडॉन्स हो रहा था, ठीक है, ये इनका डिफरेंट है। और मेल सीड जो है वो उसमें वन कोटेलडॉन मौजूद होता है जिसे हम मोनोकोट सीड कहते हैं। कोटेलडॉन्स सीड जो होता है वो थिन होता है, बहुत ही स्मॉल नरम होता है, ठीक है। तो ये इसने इसका डिफरेंट दिया है। सो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे जो है वो कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। अब जब जर्मिनेशन एक फूड हो जाता है, फ्रूट फ्रूट प्लांट हो या एन अदर प्लांट का जो है सीड हो, जर्मिनेशन जब हो जाता है तो उसकी कंडीशंस क्या क्या होती है, मीन्स उसे रिक्वायर्ड किन चीज़ों की होती है जिस वजह से वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। सो ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।